नमस्कार, मेरा संदीप है और क्रिप्टो पॉइंट हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हमने देखा कि कुछ दिन पहले जो बिटकॉइन का प्राइस था वो $11,500 तक भी पहुंच चुका था, लेकिन बुधवार के बाद वो कुछ $8,500 पे आ गया है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमको पता नहीं चल पाता कि बिटकॉइन का प्राइस नीचे क्यों जा रहा है, होता है ऐसा कभी कभी, लेकिन इस बार हमको पता है कि बिटकॉइन का प्राइस नीचे क्यों गया। मुझको पता है एज ए इन्वेस्टर, जब बिटकॉइन का प्राइस नीचे जाता है तो हमें डर लगता है कि अरे क्या हो गया, बिटकॉइन का प्राइस नीचे चला गया, अब हमारी सेविंग्स का है जो हमने इन्वेस्टमेंट किया उसका क्या होगा। जब हमने बड़ी इन्वेस्टमेंट की है और जब डिफरेंस बहुत ज्यादा हो चुका है तो डरना स्वाभाविक है, लेकिन इस केस में हो सकता है कि आपको डर से ज्यादा अच्छा लगे। तो अब जानते हैं रीजन कि बिटकॉइन का प्राइस अभी 2-3 दिनों में नीचे क्यों गया, करीब करीब $8,500 तक चला गया था, क्यों गया। तो इस बार बिटकॉइन के प्राइस नीचे जाने का मेन रीजन है SEC या फिर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन। यहाँ पे बताना बहुत जरूरी है कि SEC या फिर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है फेडरल गवर्नमेंट US की, जो कि प्रोटेक्ट करती है इन्वेस्टर्स को और मेक श्योर करती है जो भी ट्रेड होता है या जो भी एक्सचेंज होता है सिक्योरिटीज का वो फेयर हो। तो एक तरीके से SEC इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन सारे के सारे एक्सचेंजों से ये कह रहा है कि वो SEC के संग या फिर SEC के संग रजिस्टर करें, और इसके चलते ही बिटकॉइन का प्राइस नीचे ड्रॉप हो गया। अब जानने वाली बात यहां पर ये है कि एक तरीके से ये अच्छा हो सकता है, क्योंकि SEC का मेन काम है हमारी इन्वेस्टमेंट को बचाना, हमारी सिक्योरिटीज को बचाना। इससे पहले भी SEC ने ये बोला था कि जितने भी ICOs की कंपनी है उसको भी SEC के संग रजिस्टर करना पड़ेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर कोई ICO की कंपनी SEC के साथ रजिस्टर नहीं है तो करके दिन अगर वो भाग गए तो आप किसके पीछे जाएंगे। और ICO एक तरीके से पब्लिक से पैसा उठाने का एक जरिया होता है, और आपको बदले में टोकन जिसकी वैल्यू आज कुछ भी नहीं, उनके हिसाब से $100 $50 कुछ भी हो सकती है, लेकिन आने वाले टाइम पे क्या होगा ये कोई नहीं जानता। अभी के लिए वो बस आपसे पैसे लेने के लिए आपको टोकन देते हैं। इस केस में अगर SEC या ऐसी कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं आई तो आपके पैसे डूब जाएं तो आप किसी के पास भी नहीं जा सकते हैं। इसी को रेगुलेट करने के लिए SEC ने कहा था कि ICO कंपनी उसके संग रजिस्टर करेंगी। अब ये बात जब एक्सचेंज पे आई तो लोग डर गए, उनको लगा कि उनके बिटकॉइन को रेगुलेट किया जा रहा है, और वो बिटकॉइन को बेचने लग गए, इससे इसका प्राइस नीचे आ गया। पर अगर आप सोचें यहाँ पर, मेरे हिसाब से ये जो हो रहा है, जो ये एक्सचेंज को रेगुलेट कर रहे हैं, ये एक तरीके से अच्छा ही कर रहे हैं। मैं बताता हूँ क्यों। कल के दिन कोई एक्सचेंज हैक हो गया उनकी गलती से, तो आप किसके पास जाएंगे अपने कॉइन्स के लिए? आप किसी के पास नहीं आ सकते कि यार मेरे कॉइन्स को वापस करो, क्योंकि एक्सचेंज बोलेगा हम तो हैक हो गए। क्या ये हैक रियल था? इस हैक में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर SEC जैसी रेगुलेटरी बॉडीज नहीं होंगी तो कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। हर कोई बोलेगा हमारा हैक हो गया या फिर बंद करके भाग जाएंगे, हमको पता नहीं चलेगा। तो मेरे हिसाब से इवन तो अभी के लिए एक बहुत कड़ा कदम हो सकता है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में ये शायद हमारी हेल्प ही करेगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो उन्होंने बिटकॉइन को बैन नहीं किया, या वो चाहते तो बिटकॉइन की ट्रेडिंग भी बैन कर सकते थे, SEC के पास इतनी पावर है, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि हमारे संग रजिस्टर करो एक्सचेंजों से, क्योंकि बहुत बार एक्सचेंज ये बोलते हैं कि वो फेडरल गवर्नमेंट के संग रजिस्टर है इवन दो वो नहीं होते। इस बात से पूरा का पूरा कंफ्यूजन हटाने के लिए SEC ने मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा कदम लिया है। आपको क्या लगता है कि SEC का ये डिसीजन अच्छा है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए ताकि एक हेल्दी डिस्कशन हो सके। मेरे हिसाब से बिटकॉइन का प्राइस वापस ऊपर आएगा, क्योंकि ये बिटकॉइन का प्राइस नीचे करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ एक्सचेंज को रेगुलेट करने के लिए है ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कम धोखा मिल सके। मेरे हिसाब से आपको आज के इस वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा क्रिप्टो के बारे में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए, क्योंकि आपके यही लाइक मुझे मोटिवेट करते हैं और भी वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, क्योंकि शर्म किस बात की, ये भी भाई का ही चैनल है। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बी सेफ।